देखिए बेटा, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। अभी तक हमने बात कर ली किसकी, मेरे बेटा बोलिए, हमने बात कर ली ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स की, हमने बात कर ली ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स की, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इनकी हमने बातें कर ली। अब हम बात करने वाले हैं फर्दर और डिविडेंड ट्रीटमेंट जो आने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे तो मैंने डिविडेंड पेड और रिसीव की बात करी है, ऐसे इंटरेस्ट पेड और रिसीव की बात करेंगे, बात क्या होगी, दोनों सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट जाएगा, लेकिन पहले डिविडेंड पेड, क्योंकि मेन सबसे मेन ये है डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। क्या लिखा है डिविडेंड होता क्या है आप सभी को पता है, पहले डिविडेंड पेड की बात कर ली, रिसीव नहीं, आपको तो पता है डिविडेंड पे। आप लोगों को कंपनी, मान लो अगर कंपनी क्या करती है, शेयर देती है और पैसा लेती है, सुनो, कंपनी शेयर देती है और पैसा लेती है तो बदले में क्या देगी अपने शेयर होल्डर को, डिविडेंड देगी। क्या देगी मेरे बेटा, डिविडेंड देगी, बोलो हाँ या ना, याद करो। अब डिविडेंड होते हैं मेरे बेटा जी दो तरीके के, कितने तरीके के डिविडेंड होते हैं, दो तरीके के, एक होता है प्रपोज डिविडेंड और एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। जोर से बोलो, एक होता है आपका प्रपोज डिविडेंड और एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड, ठीक है ना। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड मतलब वैसा डिविडेंड जो कंपनी पहले प्रपोज करती है, पहले ऑफर करती है, फिर आप ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे रिजेक्ट करोगे उस पर डिपेंड करता है। अगर मतलब एक तरीके से ऐसा डिविडेंड होता है जिसमें कंपनी पता क्या करती है, ऑफर करती है, चाहिए चाहिए है? चाहिए चाहिए, समझ रहे हो, इसमें शॉर्ट बना ले, क्या बना ही लेते मजा आ रहा है। हाँ जी, तो बेटा प्रपोज डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होता है मेरे बेटा जी, प्रपोज डिविडेंड यानी कि वो डिविडेंड जो कंपनी पहले क्या करती है मेरे बेटा जी, प्रपोज करती है, मतलब पहले आपको ऑफर करती है, जैसे एक होता है ना ऑफर लेटर, मतलब कंपनी आपको ऐसा ऑफर करती है, चाहिए चाहिए डिविडेंड चाहिए है, ए चाहिए, तो वो जो डिविडेंड है फिर यहाँ पर आपको मतलब आपको प्रपोज करे, पूछ लिया आपसे, चाहिए चाहिए चाहिए, बताना बताना चाहिए चाहिए, आप बताओगे चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए आप बताओगे। अगर आप कहोगे चाहिए, ठीक देंगे, आपको नहीं चाहिए, ठीक नहीं देंगे, क्लियर है सर। ऐसा भी कभी होता होगा कि लोग मना कर देंगे पैसे, आदि लक्ष्मी को कौन मना करता है सर, बेटा एक्चुअली होता है दोनों बातें होती है। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है ना तो थोड़े समय के लिए उसका डिविडेंड का प्राइस गिरता है, सॉरी उसके शेयर का प्राइस गिरता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है मेरे बेटा जी, बढ़ता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना चाहते हैं ना शेयर्स में, वो नॉर्मली डिविडेंड से दूर रहते हैं क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म थोड़ा लॉलीपॉप दे दो यार अपने को, तो क्लियर है ना, वो डिविडेंड को लाइक करते हैं, उन्हें चाहिए होता है डिविडेंड, बात क्लियर हो गई। आदि लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, इसे प्रपोज डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। अब साथ साथ बात कर लेते हैं इंटरिम डिविडेंड क्या होता है मेरे बेटा जी, इंटरिम डिविडेंड वो होता है इंटरिम, इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो डिविडेंड ऑफर कर रही है, जो डिविडेंड दे रही है, उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। प्रपोज डिविडेंड कंपनी साल में एक ही बार देगी, और इंटरिम कंपनी जब खुश होती है ना, अच्छा पैसा कमा रही होती है ना कंपनी, तो कितनी बार भी दे सकती है, प्रपोज डिविडेंड में कोई लिमिट नहीं है, क्लियर ही नहीं है। कंपनी जब इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं तो 7 दिन में कंपनी को पे करना पड़ता है, नियम है ये, देना पड़ेगा, इंटरिम कितनी बार भी दे देगी, और प्रपोज जो था वो एक ही बार देती है साल खत्म होने के बाद, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, इधर देखो तो बेटा पहले बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की, तो प्रपोज एंड इंटरिम, तो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जिसे कंपनी एक ही बार पे करेगी, बार बार पे नहीं करेगी, और इंटरिम जो होता है मेरे बेटा वो कंपनी बार बार पे करती है। याद रखना मेरे बेटा जी, दोनों की जो तुम्हें इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट के बाहर ही मिलेगी। पहले पता है, पहले प्रपोज डिविडेंड जो होता था ना वो बैलेंस शीट के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाता था, प्रपोज डिविडेंड को एक प्रोविजन बना के पहले रिकॉर्ड कर देते थे बैलेंस शीट के अंदर ही, करंट लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर। लेकिन अब प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता, अब प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना वो एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, देखो एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर पड़ा रहता है, बैलेंस शीट के बाहर पड़ा रहता है मेरे बेटा जी, अब बैलेंस शीट अंदर नहीं मिलता। तो याद रखना मेरे बेटा जी कि प्रपोज डिविडेंड के केस में तुम्हें 2 साल का डेटा मिलेगा, एक मिलेगा तुम्हें करंट ईयर का, देखो ये रहा, एक मिलेगा तुम्हें करंट ईयर का और एक मिलेगा तुम्हें प्रीवियस ईयर का। तो देखो ये तुम्हारा करंट ईयर है, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, तो ये तुमको देते करंट ईयर का डेटा और ये देते तुम्हें प्रीवियस ईयर का डेटा। तो हमेशा याद रखना मेरे बेटा जी, प्रपोज डिविडेंड के केस में तुम्हें कभी भी करंट ईयर को देखना नहीं है, करंट ईयर को फुली क्या कर देना, इग्नोर कर देना, और किसको देखना है खाली और खाली, प्रीवियस ईयर को देखना है। क्या देखना है मेरे बेटा जी, खाली और खाली केवल प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को देखना है।
मन में तुम्हारे सवाल आएगा ऐसा क्यों होता है, मन में तुम्हारे सवाल आएगा ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना मेरे बेटा जी, जो करंट ईयर का डिविडेंड है, सुन लो मेरी बात, मैंने क्या बोला, साल के एंड खत्म होने के बाद दिया जाता है मेरे बेटा डिविडेंड, तो करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो कभी करंट ईयर में पे नहीं होगा। जो करंट ईयर का डिविडेंड है वो करंट ईयर में पे होगा ही नहीं, वो ऑब्वियस बात है अगले साल पे होता है। तो ऑफकोर्स हम तो करंट ईयर का सीएफएस बना रहे ना, तो करंट ईयर के डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में नहीं जा रहा, उसका पैसा कब जाएगा, अगले साल। तो पैसा जब जाएगा हमें तब देखना है, लेकिन इस साल डिविडेंड गया है किस ईयर का, याद किया के आने लगी भीगी भीगी रातों में, पिछले साल का डिविडेंड, पिछले साल का डिविडेंड इस साल जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई ना कोई, पिछले साल का डिविडेंड इस साल जाएगा, क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। इसलिए जो पैसा गया नहीं उसे देखना नहीं, और जो जाएगा उसको देखने का है। इतनी सी बात क्लियर होती है। अब देखो, तो यानी कि मैं समझाने के चाह रहा हूं, मैं यही भी समझा दूं, इसी पीडीएफ के अंदर लिख दूंगा मैं, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लग नहीं रहा। देखो तो यानी कि समझ जाना मेरे बेटा जी कि जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना, प्रोपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड वो करंट ईयर का भी है और वो प्रीवियस ईयर का भी होता है। हमें करंट ईयर को क्या करते हैं ना, फुली इग्नोर, क्योंकि वो पैसा गया ही नहीं है, इसकी एंट्री ही नहीं बनी कुछ भी, तो कुछ करना भी नहीं है, ना ऐड ना लेस, क्लियर ही नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर का पैसा इस साल जाएगा, क्लियर है ये नहीं है, तो तुम्हें क्या कर देना है भैया, आप डिविडेंड कब पे करोगे, जब पैसा उधार लोगे, पैसा उधार लेना फाइनेंसिंग, तो डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग, तो क्या करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर दोगे। लेकिन याद रखना, अगर ये डिविडेंड प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस है, प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट में से माइनस है तो क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या कर दोगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये बोलो हाँ या ना, ऑपरेटिंग में कर दोगे प्लस और फाइनेंसिंग में कर दोगे माइनस। ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। तो प्रपोज डिविडेंड के केस में क्या समझे, करंट ईयर का फुली इग्नोर, क्योंकि करंट ईयर पे ही नहीं हो रहा, प्रीवियस ईयर का पे करोगे, पे करना फाइनेंसिंग में माइनस, और अगर प्रॉफिट में माइनस है तो वहां क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। बात क्लियर हो गई, ये है ड्रामा। तो मैंने यही चीज यहाँ पर भी करी, तो यहाँ पर करना क्या, देखो और याद रखना, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितनी है, 3 लाख, 3 लाख के ऊपर लगाओ 10%, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे बेटा, देखो 3 लाख रुपए का 10%, कितना हो गया बोलिए, 30,000 माइनस एंड 30,000 ऑपरेटिंग में प्लस। बात क्लियर हो गई, मैं विद लॉजिक बात कर रहा हूँ, आए ना, बात क्लियर हो गई। ये प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट था तुम्हारा। अब इसी में हम बात करते हैं इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड आपको कहाँ मिलेगा, हमेशा बैलेंस शीट के बाहर ही मिलेगा, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। याद रखना, आपको जो प्रपोज डिविडेंड मिलता है ना मेरे बच्चे, वो कहाँ मिलता है, एज अ फुट नोट। ये फुट नोट है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जितने भी कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट के बाहर उसके चरणों में पड़ी रहती है, फुट नोट में। ये फुट नोट है मेरे बेटा जी, बात क्लियर हो गई। और ये है आपकी क्या मेरे बेटा जी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और याद रखना मेरे बेटा जी, इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पे करा आपने इंट्रीम डिविडेंड, 15%। ये करंट ईयर का ही मिलता है खाली, ये ड्यूरिंग द ईयर, ये सिर्फ करंट ईयर का मिलेगा, इसमें प्रीवियस ईयर की बात होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर साल की मिड में मिलता है, मतलब करंट ईयर के बीच में ही, जिस ईयर में आप हो उस ईयर के पूरे 12 महीनों में कभी भी कंपनी डिविडेंड बोलेगी, डिक्लेयर करेगी, वादा करेगी और पे कर देगी 7 दिन के अंदर अंदर। बात क्लियर हो गई। तो इसमें खेल क्या होता है, करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे हो जाता है। बात क्लियर हो गई। लेकिन इसमें तुम्हें एक झोल समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा मेरे बेटा जी, एक झोल। वो झोल क्या है, इधर देखना सारे बच्चे, इधर देखना, 3 लाख तुम्हारा इंट्रीम डिविडेंड कितना है मेरे बेटा जी, 3 लाख, क्लियर है, 3 लाख 3 लाख। मतलब ये तुम्हारा ओपनिंग भी 3 लाख है 31 मार्च 2018, तुम्हारा क्लोजिंग भी 3 लाख है 31 मार्च, मतलब पूरे साल भर तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना रहा मेरे बेटा जी, इक्विटी शेयर कितना रहा तुम्हारा, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख ही रहा पूरे साल भर। सवाल पता क्या है, इंट्रीम डिविडेंड 15% किस पे लगाना है, 3 लाख पे लगाना है, इस वाले 3 लाख पे लगाना है, ये दिमाग नहीं है ना। तो ये जो 15% है ओपनिंग वाले 3 लाख पे लगेगा ना, क्लोजिंग वाले 3 लाख पे लगेगा। तुमको बुद्धि का प्रयोग ये करना है कि कंपनी ने इंट्रीम डिविडेंड, ये 12 महीने कंपनी ने इंट्रीम डिविडेंड इन 12 महीनों में कब बोला था देने के लिए। भाई 12 महीनों में कभी तो बोला होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये अप्रैल से चलोगे तो बोलो हाँ है ना, कभी तो बोला होगा। पूरे साल भर देखो, शुरुआत में भी 3 लाख थे, इस बार भी 3 लाख है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं पूरे साल भर कंपनी के शेयर कितने रहे, 3 लाख ही रहे। तो
तो हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी डेट ले लो, ये बीच में कंपनी ने जब भी डिविडेंड देने की बात करी होगी तो उस टाइम पे मार्केट में कितना शेयर था, 3 लाख। तो मार्केट में जितना शेयर होता है ना मेरे बेटा, उस पे इंटरिम दिया जाता है। पूरे साल हमारे कितने शेयर रहे, 3 लाख के रहे। तो कंपनी कभी भी बोल देती ना डिविडेंड ले लो, डिविडेंड ले लो, इंटरिम डिविडेंड ले लो, तो 3 लाख पे ही मिलता। तो कैलकुलेशन क्या कहती है, 3 लाख के ऊपर कितना टका, 15%। कितना हो गया मेरे बेटा बोलो, 45,000 रुपये। बस बात खत्म, ट्रीटमेंट वही रहेगा, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। क्या होगा भाई, पैसे लेना फाइनेंसिंग, पैसा मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड देना भी फाइनेंसिंग। 45,000 रुपये क्या कर दोगे, फाइनेंसिंग से माइनस। और लेकिन ये ऑलरेडी कहाँ से माइनस होगा, डिविडेंड पे करते हैं प्रॉफिट से, प्रॉफिट के जो पार्ट होता है, तो ऑपरेटिंग में से माइनस। प्रॉफिट कहाँ होता है, ऑपरेटिंग में, तो इनकी डिविडेंड ऑलरेडी माइनस है ऑपरेटिंग से, तो ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे ऐड, क्योंकि ये नॉन कैश है। क्लियर है, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग है। बात क्लियर हो गई, आई बात समझ में नहीं आई, इतनी सी बात है। अब तुम ये देखना, तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को कवर अच्छे से क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन लिया आया मैं आपके लिए। क्या लिखा है कि यहाँ पे आपको अगर देखा जाए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शेयर दे रखे हैं, अगर प्रीवियस ईयर ये रहा, करंट ईयर ये रहा, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर हमारी निगाहें होती है। अगर तुम देखो ना, तुम्हारे शेयर क्या हो रहे हैं, 3 से 5 हो रहे हैं, तुम्हारे शेयर बढ़ रहे हैं, शेयर बढ़ रहे हैं 3 से 5। तो शेयर कब बढ़ेंगे, जब तुम मार्केट में शेयर और इश्यू करोगे। यानी कि पहले 3 लाख रुपए ले रखे थे शेयर देके, अब 5 लाख ले रखे, मतलब 2 लाख रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी और ली। आप ये मानोगे, मतलब आपने 2 लाख रुपए के शेयर मार्केट में और दिए हैं, कब दिए तुम्हें ये नहीं पता। अब नीचे पढ़ो, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वहां पे ये दे रखा है कि आपने जो शेयर इशू करे, जो शेयर दिए हैं मार्केट में, कब दिए हैं, 31 मार्च 19 को, मतलब इस वाली डेट पर। यानी कि कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है, देखो मैं यहाँ भी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, कहानी ये कहती है कि शुरुआत में कितने थे, 3 लाख, यानी कि 31 मार्च 18 को, और फिर 31 मार्च 19 को कितने हो गए, 5। क्लियर ही नहीं है, कहानी ये कह रही है पूरे साल भर कितना शेयर चला, 3 लाख, और साल के एंड में कंपनी ने क्या करा, 31 मार्च 19 को 2 लाख के शेयर और इशू कर दिए। बोलो हाँ या ना, साल के एंड में इशू करे हैं तो कितने हो गए बेटे जी, 5 लाख। बोलो हाँ या ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं पूरे साल भर कितना शेयर है तुम्हारा, ये देखो 3 लाख का, पूरे साल भर 3 लाख का शेयर है तुम्हारा। अभी देखो डिविडेंड प्रपोज, प्रपोज डिविडेंड आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर का, ये दे रखा है करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड के केस में मैंने क्या बोला था, करंट ईयर फुली इग्नोर, क्यों, क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे होगा ही नहीं, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे होगा, तो ये वाला प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर की अमाउंट उठाओ। तो अगर मैं प्रपोज डिविडेंड की कैलकुलेशन करूंगा तो क्या करूंगा, 3 लाख के ऊपर प्रीवियस ईयर वाली पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे कर रहे हैं हम इस ईयर में, यानी कि 30,000 रुपीज। फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, ट्रीटमेंट तो वही रहेगा। अब इंटरिम की कैलकुलेशन कर लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया है, 15% दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जो इंटरिम डिविडेंड है वो साल के मिड में कहीं तो दिया होगा, यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी दे लो इंटरिम, जिस दिन भी दोगे उस दिन मार्केट में कितना शेयर था, 3 लाख ही था, क्योंकि जो 2 लाख शेयर इश्यू हो रहे हैं वो साल के एंड में हो रहे हैं, तो ये भी किस पे जाएगा, 3 लाख पे जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो, दोनों का अलग अलग लॉजिक है, एक का तो लॉजिक जा रहा है प्रीवियस ईयर को लेके, एक का लॉजिक जा रहा है मार्केट में कितना शेयर था, ये समझ लेना। बच्चे रटने बैठ जाते हैं कि अच्छा दोनों पे तो सेम ही निकलेगा, प्रीवियस ईयर की अमाउंट पकड़ लेंगे, ये गड़बड़ है, आधों को नहीं पता होती ये वाली बात। एक में पकड़ा प्रीवियस ईयर प्रपोज में, और एक में देख रहे हैं जिस टाइम पे हम मार्केट में हैं। क्लियर है मेरी बात,